तो दोस्तों यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को बताना कि एग्जैक्टली मेरे संग हुआ क्या और व्हाई डिड आई चूज़ IIT खड़गपुर ओवर एनी अदर गुड कॉलेजेस इन द वेस्ट बंगाल लाइक इंडिया जो कि मुझे मिल रहे थे. सो आई गॉट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन IIM रांची. इसके अलावा IIFT कोलकाता, आपने सुना होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. अगर आपने नहीं सुना तो आप ज़रूर जाके देखें, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया. इसके अलावा आई गॉट IIT खड़गपुर. सो ये जर्नी कैसे रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ लाइक मैंने क्या क्या गलतियाँ की एंड देन आई विल कम टू सोल्यूशंस कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे पहुँचा. बट उसके पहले मैं ज़रा सा आपको ओवर ग्लांस देना चाहूँगा मेरे पूरे के पूरे कैंपस को, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एंड देन वी विल कम इन टू हियर. सो आप मेरे जो पीछे देख पा रहे हैं वो है BRH हॉस्टल का ऊपर का नाइट कैंटीन. और हमने जो है शूट यहाँ करने का क्यों सोचा वो मैं आपको बताता हूँ. ये जो आप स्पॉट देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बैनर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं जिसमें स्टूडेंट्स बैठ के रात को चिल करते हैं. ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं दैट इज़ द एंट्रेंस गेट. इसके अलावा दोस्तों आप अगर आसमान को देखें तो क्या खूबसूरत दिखता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेसेस. इसके अलावा जो है नीचे, इसके नीचे ही दो दो कैंटीन्स भी हमें दिखता है. दिस आर लाइक द हॉस्टल्स के रूम जिसमें आपको हर एक स्टूडेंट के लिए एक बालकनी मिल जाती है. बट दोस्त आर नॉट सो ग्रेट बट इट इज़ गुड इनफ टू कम हियर एज वेल एज. दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोगो सबके पास है तो इट इज़ वेरी कॉमन एंड एज वेल एज कोई इज्जत नहीं मिलती हमें IITs की. एंड जो प्रोग्राम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी हेक्टिक. सो हमें इतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ भी कर सकें. बट स्टिल आई एम मैनेजिंग टू एड अ वीडियो ऑन दी YouTube चैनल एंड इंडक्शन प्रोग्राम. आप किसी भी गुड MBA कॉलेज में जाएंगे इन फ्यूचर देन यू विल नो लाइक इट इज़ वन ऑफ द हेक्टी लाइफ स्टाइल्स विच यू एवर विल बी लुकिंग फॉरवर्ड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम मच. तो हम देखते हैं कि हम एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे आए और वॉट वॉज माई स्टोरी टू बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी गलतियों से शुरुआत करूँगा और यहाँ तक पहुँचेंगे. जो आप देख पाओगे ये सारे BRH हॉल है वो लास्ट ईयर PhDs को ऑफर होती है. ये जो हॉल आप देख पा रहे हो ये है सी ब्लॉक. मैं जो रहता हूँ डी ब्लॉक में, मतलब सारे जूनियर्स डी ब्लॉक के हैं. और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को एक ऐसी बालकनी भी मिल जाती है सो दैट कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से करें. लड़कियों के हॉल में बेसिकली बालकनीज नहीं होती. और पहले हम लोग का AC वाला था बट अब ये डिग्रेड करके हमें ऐसे खंडर में डाल दिया गया है. यहाँ पर हमें एक लाइट भी मिल जाता है हर रूम में, ठीक नहीं होता ठीक करवाना पड़ता है. इसके अलावा हमें टेबल मिलता है कि आप पढ़ने के लिए, चेयर भी मिलती है, किसी किसी को बहुत ही कूल चेयर मिली है, खटारा मिल गई. इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर एक ड्रॉअर भी मिलता है जिसके अंदर ये हैंडकफ आपको लगवाना पड़ेगा या फिर जो पहले लगा रखा होगा आप लगी है तो हो जाएगा. इसके अलावा कपड़े फपड़े ऐसे टांग के रखते हैं दोस्तों, तो इसमें माफ़ कर दीजिए उतना मैं ध्यान नहीं रख पाता. फिर हम बाहर से बात करें किरे एवं ओके रिकॉर्ड कुर्सी है. Hi guys, please like, share and subscribe and I will definitely watch this vlog when I'm opening my YouTube in my mobile. Sure man. So, ये मैं क्लास में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कि हॉल्स. इसके अलावा यहाँ हॉल के अंदर हमें टेनिस कोर्ट भी मिलता है. सो हम लोग को टाइम नहीं मिलता इतना क्योंकि वी आर डूइंग अदर कोर्सेज एंड हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा. इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हॉल इज अराउंड 4 ब्लॉक्स. इसके अंदर यू कैन सी लाइक इंटरनली ऐसे दिखते हैं वो फिल्टर्स है वहाँ पानी भरने के लिए एंड वॉशरूम्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे. इसके अलावा लिफ्ट्स भी मिल जाते हैं. सिर्फ एक ब्लॉक सी में मेरे ख्याल से लिफ्ट नहीं है. टॉप सारे साइकिल वहाँ भी पार्क कर सकते हैं, वहाँ भी पार्क कर सकते हैं. देन वी विल कैन ऑल्सो पार्क देयर एट साइड, ये साइड्स में भी पार्क कर सकते हैं एंड इन साइड भी पार्क कर सकते हैं. तो टोटल मिला के यहाँ पर 4 से 5 स्पॉट है साइकिल पार्क करने के. यहाँ से अगर सीधा स्ट्रीट जाते हैं विल गो टू टेक मार्केट एंड इफ टेक मार्केट से आपको स्ट्रीट जाना पड़ेगा टू नालंदा कॉम्प्लेक्स मेन गेट. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 3 किलोमीटर है कैंपस. सो ये है दोस्तों हमारी नाइट कैंटीन. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ नाइट कैंटीन. ऐसी ही कैंटीन नीचे भी दिखती है बट लाइक दोज आर टोटली रूफ प्रूफ. ये है जो है कि छत की तरफ है. नाउ यू कैन सी दिस साइड में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है. तो ये है कुछ आपको डबल साइडेड व्यूज़ जहाँ पर मैं भी आपको दिखूँगा और पूरा कैंपस भी दिखेगा. सो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से एंड इट्स रियली कूल टू बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी गलतियों से शुरुआत करूँगा और यहाँ तक पहुँचेंगे. सबसे पहले मैंने अपने करियर में जो है पहले JEE देने की कोशिश की तो वो मैं बिना प्रिपरेशन के गया था ना. आई डिसाइडेड कि मैं कोटा जाकर पढ़ूंगा.
बट वो मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान एंड आई गॉट इनटू बीबी पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला 20,000 रैंक पे, 20,101 रैंक. आई लव नंबर्स, तो आई रिमेंबर नंबर्स एज वेल. तो इसके बाद जो है मैंने जब वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया, वहाँ मैं रोबोट्स वोट्स बनाने में काफ़ी इंटरेस्टेड था. और मेरे प्राइवेट कॉलेजेस में तो प्रॉब्लम इसकी मैक्सिमम लोगों का जो मेंटालिटी होता है, दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, उनको सिर्फ जॉब चाहिए और वो जॉब के पीछे भागते हैं. पर मेरा एक इनिशिएटिव था आई विल पार्टिसिपेट ये वो. तो पार्टिसिपेट करते हुए मुझको एक बंदा मिला जो सेकंड ईयर में था और ही वॉज वेरी गुड इन कोडिंग. सो वो बोल रहा था कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और IIT खड़गपुर में एक फेस्ट होता है क्षितिज, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो मैं बोला ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस का था, मैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ रहा था. एंड उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया एंड आई केम हियर ये IIT खड़गपुर में. एंड IIT खड़गपुर का जब मैं ये एनवायरनमेंट देखा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन कौन से लोग आ रहे हैं, वो फ्लाइंग बीस्ट वाला जो गौरव तनेजा उनको देखा, फिर और भी बहुत सारे यहाँ पर इवन अपने जो वो हक से सिंगल हैं वो भी थे यहाँ पर, एंड मेनी मोर गुड गाइज वर हियर. एंड मेरे को लगा यार DJ नाइट होती है, ये जगह तो है जहाँ पर आनी है. तो मैंने एक MTech गाइस से भी मिला और पढ़ना है मेरे को भाई, अब मेरे को इधर ही आना है. सो अब मैं क्या किया, घर गया, फिर मैंने रिसर्च की एग्जाम के बारे में, और फिर उसके बाद कोविड हुआ. कोविड के बीच में मैंने डिसाइड किया कि जो है मैं कुछ यूट्यूब से पैसे वैसे जो कमाया था और उसमें यूट्यूब डाल के मुझे IIT का बहुत ज्ञान भी हो गया था. तो वहाँ पर जो है मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया गेट एग्जाम को, घर से कुछ हो नहीं रहा था. तो फिर मेड इजी में मैंने कुछ याद है मुझे 25,000 से 30,000 रुपये खर्च करके मेड इजी में भर्ती हुआ आधे फीस देकर. और फिर मैं जब मेड इजी में क्लासेस करता था तो 9-9 घंटे के क्लासेस होते थे कोविड के टाइम पर, तो मैं उसको परसिस्ट नहीं कर पाया, मेरे दिमाग में हालत ख़राब हो गई और मैं सोया करता था क्लासेस में. तो किसी तरह फिर कोविड सेशन 2 आया और हम वहाँ से जो है मैं ड्रॉप आउट कर गया. और उसके बाद फिर से क्लासेस शुरू हुए तो उन्होंने बोला पूरा फीस देना पड़ेगा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मैंने और पढ़ाई नहीं की. तो ये एक्चुअली यहाँ पर एक पहला फेलियर है. टेस्ट सीरीज मैंने ले रखे थे, उस समय गेट अकेडमी चलता था जो कि अभी अकेडमी से बिक गया है, तो वो पर्टिकुलर गेट अकेडमी का गेट सीरीज थे और मैं किसी लड़की को पसंद करता था अपने कॉलेज में एंड शी डजेंट यूज टू लाइक मी, बट स्टिल आई गेव माई लाइक दिस टेस्ट सीरीज टू हर एंड शी गेव द एग्जामिनेशन और मैं एग्जाम के लिए गया भी नहीं देने, पैसे वैसे वेस्ट कर दिए मैंने. उसके बाद फिर हमने वापस से जो है सेकंड टाइम भी प्रिपेयर किया फॉर द एग्जामिनेशन, बट उसके साथ साथ मैं प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहा था. वहाँ से मैंने एक इंटर्नशिप ली वाइजैग में जहाँ पर मैं मेडिकल टीम्स के लिए वर्क करता था एंड वो इंटर्नशिप मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी एंड वहाँ तेलुगु सब बोलते थे एंड आई वॉज मेकिंग द प्रोजेक्ट ऑफ IIT बॉम्बे. और उसी एक्साइटेड में मैंने क्या किया कि मैं आपको अपनी गलतियाँ गिनाता हूँ. वहाँ पर मैंने उस प्रोजेक्ट का एक फोटो लेकर रख लिया था विच दैट पर्टिकुलर पर्सन डिडंट लाइक एंटरटेन एंड शी मैंने दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअली मैंने एक्जैक्टली दैट वॉज अ मेल. सो उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है एंड दिस एंड दैट. सो मुझे वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगी एंड हो सकता था कि जो है मैं तो कहूँ पोस्ट वोस्ट नहीं किया. तो फिर मैंने उसको डिलीट अपने फ़ोन से डिलीट किया एंड आई वाज इन प्लान कि मैं छोड़ दूंगा एंड आई लेफ्ट. और उन्होंने मेरे को अपनी सैलरी भी नहीं दी जो कि प्रॉमिसेबल थी, बट वो उस समय मेरी जो सैलरी थी दैट वॉज इंटर्नशिप में 20,000 रुपीज़ पर मंथ. इट वॉज डिसेंट सैलरी फॉर एन इंटर्न और यहाँ तो इंटर्न की सैलरी बहुत होती है. तो यहाँ पर जो है इसके बाद हम सेकंड में गए तो दैट वॉज अ फेलियर फॉर मी एंड घर वाले भी बोल रहे थे कि 2-3 दिन रुक जाते तुम, ऐसा होता है यार क्या करें. तो इसके बाद जो है सेकेंडली मैं प्रिपेयर करके यहाँ पर मैं अच्छी अच्छी कंपनीज EY PwC LabVantage 7 LPA 6 LPA सब में जो है लास्ट लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो रहा था. कोडिंग वोडिंग निकल जा रही थी, मैं इतना इंग्लिश में अच्छा हूँ और HR राउंड में रिजेक्ट होता था. सो इट वॉज टोटली फेलियर. तो ओवरऑल मुझे जितना याद है मैं अपने कॉलेज में 7 इंटरव्यूज में बैठा जहाँ पर कॉग्निजेंट को छोड़कर मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड कॉग्निजेंट को मैंने जो है कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था वो वर्क. और फिर कॉग्निजेंट मुझे एकदम अक्टूबर महीने में कहती है कि जो है आपको चेन्नई लोकेशन मिला है. सो मैं सोचा कि मैं अब एक एग्जाम डिसाइड किया था कि मैं कैट दूंगा, पर कैट कैसे दूं क्योंकि मैं तो बीटेक में एजुकेशन लोन में पढ़ाई कर रहा हूं. सो एजुकेशन लोन इज़ वेरी हेक्टिक यहां पर बीटेक में हमने ले रखे थे. एंड फिर आई डिसाइडेड कि नहीं देखेंगे. फिर हम जॉब ज्वाइन करने के बाद जहां पर 8 बजे सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक मैं जॉब करता था एंड सेप्टेम्बर 25 के आसपास मैंने अक्टूबर के आसपास ज्वाइन की एंड जो है कि जॉब करते करते मैं सोचा कि मैं कैट एग्ज़ाम दूंगा एंड कैट एग्ज़ाम मैंने दिए. उस दिन कैट एग्ज़ाम देते समय मैंने जो पढ़ाई की थी वो PW के जो क्लासेस होते थे वो मैं एकदम रात को देखा करता था और सुबह पढ़ाई करता था, फिर ऐसे करके एग्ज़ाम देता था एंड आई वाज वेरी मच इंटैक्ट कि जो है मेरे को भाई ये IIT के बारे में रिसर्च कर रखी थी. अब मैं बताता हूँ कि IIT में 1993 में ये IIT खड़गपुर में स्टार्ट हुआ था MBA, जिसने वो स्टार्ट किया था विनोद गुप्ता जी ने जो कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं. बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज की तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज IIT खड़गपुर में मतलब इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले अगर सोचें CSE मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन 2-4 और ब्रांचेस लेने के बाद जो आपका सेकंड आता है मैकेनिकल का एवरेज पैकेज यहाँ है 23 लाख का. उसके बाद जो है हमारा कॉलेज का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका एवरेज पैकेज आता है एंड देन कम्स अदर डिपार्टमेंट्स जिनका एवरेज पैकेज आता है. इवन गेट में जो CSE है उनका एवरेज पैकेज हमसे ज़रा ऊपर है एंड वो मैथमेटिक्स में भी जो MSc वाले गेट दे सकते हैं उनका भी एवरेज पैकेज हमसे ज़रा ऊपर है. अदरवाइज वी आर लाइक द एवरेज पैकेज ऑफ आप जादवपुर यूनिवर्सिटी CSE डिपार्टमेंट जो होता है उनका जो एवरेज पैकेज था लास्ट ईयर उसके आसपास जो है
हमारा जो MBA है उसका एवरेज पैकेज रहता है। बट आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कॉलेज में सबको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, बिकॉज आई हैव लेस मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो है मेरे क्लासेस में कोई IIT धनबाद का है, कोई है IIT गांधीनगर का, IIT जम्मू, DTU, इसके अलावा VGTI मुंबई, COEP, बड़े बड़े टॉप टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। कुछ कुछ मेरे से भी लोअर कॉलेजेस के भी हैं, बहुत ही कम है, बट ओवरऑल में सारे टॉप क्लास स्टूडेंट्स हैं। टाटा पावर्स में 4-5 years का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर MBA इंस्टीट्यूशन। तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स। इट इज़ NIRF इज 12th रैंक्ड ओवरऑल में। इसके अलावा जो है आपको दूसरे जो चीज़ें मिलेंगी, जैसे हम लोग बात करें इस कॉलेज के खास बात की, दैट इज़ इससे अगर कोई अच्छा IIT है, दैट इज़ IIT बॉम्बे, जहाँ पर आपको एवरेज पैकेज मिलता है कुछ अराउंड, समझ के रखिए तो यहाँ के मैकेनिकल से ऊपर है। मैकेनिकल आपको 23 बताया, राइट? सो उससे और 3 lakhs प्लस कर लीजिए, वहाँ का एवरेज है। इसके अलावा जो है, इसके बाद जो आपको दिखेगा दूसरे कॉलेजेस, जैसे कि IIT दिल्ली, उसका आप समझिए तो वही मैकेनिकल के आसपास है, 25 के आसपास पड़ेगा। और इसके बाद IIT दिल्ली बस, उसके बाद IIT खड़गपुर आता है, IIT रुड़की, मद्रास एंड ऑल, उनका IIT का इससे नीचे है MBA प्रोग्राम में स्पेशली। सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस टू स्टडी फॉर MBA। इसके अलावा यहाँ पर आप MTech के लिए आ सकते हैं, जो गेट एग्जाम से होता है, और कैट एग्जाम से आते हैं। तो कैट एग्जाम में यहाँ पर जो नियम है दोस्तों, कैट एग्जाम में जनरल जैसे मेरी तरह या फिर EWS होंगे तो आपको पड़ेगा अराउंड 90% के आसपास, और नहीं तो आपको अराउंड यहाँ पर 96% के आसपास आपको स्कोर करनी ही पड़ेगी। मैंने एक ऑर्डर की थी माउस, जो 700 रुपये की है, और इतनी कमाल की है आपको दिखाऊंगा तो आपकी ख़राब हो जाएगी हालत। तो अब ये सवाल आता है कि क्या हमें IIT में आना चाहिए। सो ये मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये IIT जो मैं ये माउस ऑर्डर किया था, इट्स अ रियली ग्रेट माउस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्पेशली। इफ यू गेट अ चांस श्योरली ऑर्डर, सी दिस, ओह क्लासी। हाँ, सो इट इज़ ओनली 700। सो ओनली क्या भाई, 700 बहुत पैसे होते हैं। सो अभी हम बात करते हैं कि जो है कि शुड यू कम। देखिए, अगर आपको लाइफ में IIT से भी MBA करने का मौका मिलता है, IIS धनबाद जो है अराउंड 8-9 LPA के आसपास है, बट अगर IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, या फिर आपको मिले IIT बॉम्बे, दिल्ली या खड़गपुर, बिना डाउट की आपको MBA करना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 1 या 2 years का एक्सपीरियंस है, और आपकी जो पैकेज है करंटली वो अराउंड 12 लाख या 12 लाख से कम की है, ये कॉलेज आपको ऑन द रिटर्न अराउंड, नहीं भी तो आप किसी वहाँ से 12 लाख से भी 10 लाख से समझ के रखिए तो 100% तक का रिटर्न तो आपको देकर ही देगी, ये आप गारंटी रख सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ गुड। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली 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 हाईली नॉलेजेबल, एज वेल एज द एनवायरनमेंट विच यू गेट हियर इज एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग एंड इट्स ग्रेट। अगर ऐसा मौका मिलता है तो देन यू शुड श्योरली गो। अब इसको कैसे क्रैक करते हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं यहाँ पर एक कैट एग्जाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जब आप देकर यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो जनरल होते हैं, EWS होते हैं, उनको 90% OBC वालों को 75%। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप किसी बड़े क्रेडिबिलिटी कॉलेज से आ रहे हैं, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, आपकी ओवरऑल जो आपका प्रोफाइल है, दैट विल वेरी मच मैटर आपको यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। देन आपका जो है इसमें जो आप वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, और जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनमें अराउंड 4000 बच्चे, मतलब 200 सीट है, 200 का मतलब हो गया अराउंड, सोचो तो 2000 लोगों की या 1700 लोगों की इंटरव्यू वो अरेंज करेंगे। उसमें से वो 1700 लोगों में से तो सबको इंटरव्यू बोलेंगे, तो इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे नहीं भी आएंगे, आएंगे भी। यहाँ 2000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाए थे, तो अराउंड 1700 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया था। उसमें जो 1700 लोगों से अटेंड किया था, वहाँ से ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 लोगों या फिर 350 लोगों, क्योंकि आपको पता है SC ST वाले बहुत डिनाई करेंगे, उनकी मूवमेंट भागती है, जनरल का भी मूवमेंट भागता है, तो यहाँ पर जो है वो सारे मूवमेंट्स को लेकर अराउंड 450 के आसपास या 400 के आसपास ऑफर्स मिलते हैं, जहाँ पर अराउंड 150, 160, 170 के आसपास बैच बनेगा, या फिर 200 का सीट होता है, सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो सारे सीट्स भी ब्लैंक चले जाते हैं। सो इसमें अगर ये चांस आपको मिलता है, एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, आपको लग रहा है ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, भाई इसकी क्या वैल्यू है, मैं आपको सच कहता हूँ, आप अगर किसी भी टॉप प्राइवेट कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल ले ले, या फिर आप ले लें, चलिए आप कॉमेट के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर VIT कॉलेज, मेरे भी बैचमेट्स हैं VIT कॉलेज के, जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए VIT में, इसके बाद यहाँ पर है, उनका भी जो एवरेज पैकेज है वहाँ से भी बहुत बड़ी अच्छी जॉब मिलती है। सेकंड, ये जो कॉलेज है दोस्तों, ये आपको एक ब्रांड नेम देगा, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT खड़गपुर, यू आर गेटिंग 2 tags, तो ये जो है आपको जो ब्रांड वैल्यू देगा, या फिर कोई भी IIT दिल्ली देगा, जैसे डॉम्स दिल्ली हो गया, या फिर डॉम्स मद्रास हो गया, या शैलेश गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपको IIT बॉम्बे मिलता है, सो ये जो आपको नेम दे देगा, आपके नेम टैग दे देगा पीछे, उससे आपको बहुत फायदे होंगे जब आप करियर में प्रोग्रेशन लेंगे ऊपर की तरफ, बिकॉज दिस आर वेरी गुड कॉलेजेस फॉर कंसल्टिंग एंड फॉर ऑपरेशन, सो ये आपको बिजनेस स्कूल टाइप ऑफ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट होते हैं, मैंने भी इस तरीके से यहाँ सेलेक्शन ली अपनी। सो मैंने इंटरव्यू, मेरा जो है परसेंटाइल उतना खास नहीं था, आई गॉट अराउंड 93.4% ओवरऑल, एंड मेरा सारा का सारा ये निकला हुआ था, सेक्शंस निकले हुए थे मेरे 87, 84, 92% लेके आया था मैं DILR में, 92%, एंड फिर जो है हमने कोपअप करके यहाँ पर सेलेक्शंस के लिए भरा, एंड आई गॉट इनटू द सेकंड शॉर्टलिस्ट ओनली। फिर मेरे पास IIM रांची था, IIFT दिल्ली था, या फिर बात करें IIM क्या बोलते हैं रायपुर, IIM संबलपुर, IIM बोधगया, यहाँ पर मैंने दोस्तों पैसे भी नहीं डाले, क्योंकि मुझे पहले से डिसाइडेड था ये कॉलेज जाना है भाई,
चाहे दोस्तों अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, ये जो हमें मिल रहा है या फिर जो ये आप लोग जाकर अगर कभी हासिल करते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होता, यहाँ पर आप ही नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि शायद आप लोग इतना रिसर्च नहीं करते बोल के, यहाँ के जो पीएचडी के बंदे उनको नहीं पता कि जो है आईआईटी खड़गपुर जो है 12 नंबर कॉलेज है इन द एमबीए सेक्टर। एंड ये कॉलेज आप देखकर देखिए, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस टू बी अ पार्ट ऑफ इफ यू आर सर्चिंग फॉर लाइक ग्रेड बी स्कूल, एंड उस बी स्कूल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में सोच रहे हैं। या द कल्चर ऑफ द एमबीए इज नॉट लाइक द एग्जैक्ट एमबीए जो आप डिजर्व मैंने सोचते रहते हैं कि करेंगे, बट इट इज गुड इनफ एज वेल एज मेरे लिए काफी अच्छा है बिकॉज आई लव इंजीनियर्स, आई ट्रीट इंजीनियर्स एज वेल एज मैं अभी काम जो कर रहा हूँ वो आप यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं, इट्स टोटली अबाउट इंजीनियरिंग एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद इंजीनियरिंग। मुझे वो सियापे करना पसंद है, लोगों के संग घूमना पसंद है, इंजीनियर्स की बकवास बातें मैंने टूटी हुई लव स्टोरी या फिर जो है किसी ने किसको धोखा दे दिया ये वो सुनना मुझे काफ़ी पसंद है, एज वेल एज वो जीना है जी चुका हूँ तो। और मुझे इंजीनियर्स के अलावा जब मैं नॉन इंजीनियर्स के संग रहता हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कुछ देर बाद क्योंकि वो मेरे को समझ नहीं पाते। और तो ओवरऑल में दोस्तों मेरे लिए ये बहुत 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 खुशनसीबी है कि ये इंजीनियर्स के साथ मैं फिर से यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, मैं कोविड में अपनी कॉलेज लाइफ नहीं जी पाया तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ यहाँ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ पर जो मेमोरीज 3-4 दिन में बने हैं और मुझे लगता है कि जो 1-1.5 साल में बनेंगे वो एक काफ़ी अच्छे मेमोरीज रहेंगे जो कि मैं लाइफ टाइम चेरिश कर पाऊंगा। एंड इन फ्यूचर गोइंग अहेड आई विल श्योरली लुक आफ्टर की हाउ कैन आई गिव बैक टू दिस आईआईटी प्लेटफॉर्म, बट फॉर नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सो मच टू लर्न हियर बिकॉज यहाँ जो मैनेजर्स के लिए एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट है हाउ वी शुड थिंक। मैंने जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उनके पीछे मैं पहले नेगेटिव कमेंट्स में देखा करता था, बट दे हैव सेड कि जो है बिहेवियरल कंसर्न्स कैसे होते हैं, वी हैव मेट दी आईआईटी सॉरी आई एम अहमदाबाद प्रोफेसर्स, आई एम कलकत्ता ग्रेट इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स, इसके अलावा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इवन सम पीपल आर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वी आर कमिंग अप विद लाइक 2 IAS 1 IPS, इनका भी जो है हमारे लिए सेशन हो चुका है। सो दोस ग्रेट पीपल्स शेयर देयर थॉट्स हियर, दे कम हियर, दे कॉल दिस इंस्टीट्यूशन एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। एंड सच में आपको कहता हूँ दोस्तों, आप लोग को ऐसा मजाक लग रहा होगा यू ओनली गो बाय नंबर्स, एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि ये कॉलेजेस जो आपको नंबर्स प्रोवाइड करेंगे वो नंबर्स आपके लिए कम पड़ेंगे, बट जो ये आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कॉलेजेस में लोअर ब्रांच भी मिलता है, कुछ भी मिलता है यार, ये कुछ नसीबी है आपको कि यहाँ पर कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर मैं कल CSE या फिर CDAC कभी ECE का कैंडिडेट का मिला, उनसे पूछ रहा था तो बोल रहे थे यार अभी वही सब चलता रहता है, सब उस वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट्स एन एजुकेशनल चैनल। सो अगर आपको भी मौका मिल रहा है, सच बिग वीडियो हमने बना दिया, बट अगर आपको मौका मिल रहा है टू कम इनटू IITs टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन एट एनी इंस्टेंस ऑफ योर लाइफ, नॉट करेंटली, नॉट थिंकिंग नाउ, बट इफ यू थिंक लाइक नहीं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी जॉब कर रहे हैं एंड दे जस्ट टुक द मनी फ्रॉम द जॉब एंड सबैटिकल लीव लेकर एक MBA करेंगे चले जाएंगे, उसको जॉब चाहिए भी नहीं इस पर्टिकुलर कॉलेज से। सो वो भी इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते थे। अभी बारिश शुरू हो गई है, सो अगर आप भी ऐसी एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और आप भी अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स के बाद ये समझ जाएंगे कि जो है ये प्लेसमेंट्स के नंबर्स दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग इज फार 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 लेस देन कंपेयर टू व्हाट यू करंटली हैव इन योर ब्रेन विच इज कॉल्ड एज माइंड नॉलेज एंड जो है आपकी आपकी इंस्टेंस ऑफ मनी। बट स्टिल आप सिंस एक करियर में अपना ऐसा नहीं है कि किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। सो दिस कॉलेज प्रॉमिसेस फॉर अ वेरी गुड रिटर्न एज वेल एंड द रिटर्न इज फार 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 हायर कंपेयर टू द लाइक फॉर एग्जांपल अवर डीन इज संगीता सहानी एंड सच सच ग्रेट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, शी सर्वड इन द IIT Delhi, sorry, not IIT Delhi, so she has done PhD, she has been in the IIT Jodhpur and many more great institutions. I am Raipur, I think so. And that's all. Video pasand aaya to video ko like kijiye, champion subscribe. And this video was like an informative about myself, ki how I cracked and came here, what I'm currently studying. I'm studying business, master's in business administration. Iske ilawa jo hai, what I'm currently planning to do here is like, first of all, get a very good internship. Internships are highly paid here, around jitni meri CTC thi, utna to sirf yahan 2 mahine mein milta hai. Usme ye barish bahut tez ho gayi hai. इसके अलावा जो है नहीं, उतना नहीं मिलता, ज़रा मतलब समझ के रखो तो 1/3 तो मिल ही जाता है। अब देख लेना ना इंटरनेट पे वो मिल जाएगा, वैसे मेरे नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद जो है सिर्फ IIT खड़गपुर प्लेसमेंट डेटा मारोगे आ जाएगा MBA का। सो बस और क्या, सो यही मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर मैं सिर्फ सोचो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कितने भी लोग अगर कोई खोज लेते हैं, सो उसमें से 4 लोगों ने भी क्रैक किया, बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात। इस साल कितने सारे बच्चे मेरे कहने की वजह से आज IIT मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हेरिटेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, एंड देर आर वेरी 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 हैप्पी। एंड आई लव कि मैं कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, एंड ये कंट्रीब्यूशंस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हर बार एक पेरेंट्स फोन करता है और जब भी मुझे कहता है कि जो है कि थैंक यू मिठाई भेजेंगे आपको, ये वो बस भेजते कोई है नहीं बट लालची अभी देख तो, सो फिर भी खुश रहता हूँ कि इतने लोगों की मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर ऐड किया होगा जिसके वजह से वो मुझे प्रेज कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिए।